मानस के बारे में पंडित श्री लक्ष्मीचंद ने जो कविताएं बनाई और नुगरा को ताने बेरो की सार एक घर में बड़ा तीन भाई दिल्ली में दारू पी के बड़ना झोपड़े बने टुकड़े छान बांध रखी बटोड़ा बटोड़ा दो पैक मारे और छोटने ने तेरे सुना क्या बैठा तड़का अपा कोठी को नक्शो बनावांगा ये अपनी छान है ना जाके एक काम कर बठा में गिरवाऊंगो तड़का की तारीख में दो पैक भीतर जाता है बड़ो पाठा गिरवा के छोटड़ियो दो पैक मारा ने बगैर चिंता मत कर घाट रमे तू से छोटड़ियो बोले चिंता मत कर जंगला मैं ले मोर रोज को काम रोज ना दारू पी के आवे बटोड़ा कह को पाठा में ले मो छोटड़ियो ने कहो चौका मैं ले मो एक ने को जंगलो में ले ले आवे मत की में आज को बूढ़ियो बापड़ो रोज ना पोड़े खाट गले उनका रोज का पचोड़ो सुने एक दिन बोतल ठा के हमारा तीनों भाई अच्छे बैठ गया बूढ़ी के सारी अब तो पैक भीतर जा और बटोड़ो क्या करे तड़का पाठा में गिरवाऊंगो छोटड़ी तो एक पैक मारा पास नहीं क्या करे जंगल में जाऊंगो ऊसा छोटड़ी तो एक पैक बैठाओ तने क्या करे ये तुम में जाऊंगो बूढ़ी उठ के पोड़ी मारो छोरा का कना है रा छारो बोतल में कितनी बच रही है दो एक पैक मरने में दो लीटर में डालूंगा पांच हजार ये इंसान मेरा ऐसे समझदारी के बाद आज कल का भलो जमाना नंबर तीन पे बाहर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया
वो भलो आदमी जो आप घर तन से पूछो सुना हूँ की बीरबली छात सा खड़ी खड़ी देखकर निगाह पड़ गई हूँ की बोले रंगराट बोले मेरा कहने क्या देखा है तो दो एक गड़ी और बची तावड़ी शिक्षा बढ़ाई बार आया हूँ ये शर्म लाज रखे अगर बताओ मेरे मामा बताते हैं इंसान के ऊपर बारिश के बारे में उस भगवान और परमात्मा उस इंसान से डरता है समय का बड़ा मोल होता है अंतिम लाइन में उस कवि ने लिखा कि इंसान का ये पंचभूति 14,84,000 यूनि भगवत के इंसान का जन्म मिलता है और वो इंसान का जन्म इंसान ऐसे ही व्यक्त हो देता है कैसे ला 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 मालिक ने वही इस मालिक ने तो हाथ दिए कुछ करके मारा चाहिए गिरते गिरते गिर दिया मातों किते ठिकाना चाहिए गिरता भी जाता तो किते ठिकाना चाहिए हर जिस भाई का काम उठले श्री लक्ष्मी चंद श्री लक्ष्मी चंदी छंद गाया चाहिए गाना चाहिए बीच में तख्त भाई